एरीन कॉम्प्लेक्स, जैसे कि आपने ट्राइन कॉम्प्लेक्स देखे थे, ट्राइन कॉम्प्लेक्स का इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ा सा आपको दिया था जब हमने टाइप ऑफ लिगेंड्स बताए थे, तो एरीन का मतलब है जो बेंजीन रिंग होती है उसके कॉम्प्लेक्स। और अगर एरीन की बात करूंगी तो कितने कार्बन के थ्रू जुड़ेगा मेटल के साथ? एरिन सिक्स सिक्स। तो इसकी जो हैप्टिसिटी है वो कितनी होगी? सिक्स होगी, ईटा सिक्स की तरह एक्ट करेगा। तो ये एक ट्राइन है, तो एक ट्राइन जो है वो सिक्स एटम्स के थ्रू जुड़ेगा। तो एरीन कॉम्प्लेक्स जो पहला रिपोर्टेड है वो 1999 में हीन ने प्रिपेयर किया था, फर्स्ट जो रिपोर्ट किया था, और उसका जो करेक्टराइजेशन है वो लगभग उसके 30 साल बाद किया गया, जो कि फिशर ने किया। और ये जो कॉम्प्लेक्स जिसका उन्होंने करेक्टराइजेशन किया वो था क्रोमियम का डाइएरीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजिशन मेटल्स दे फॉर्म एरीन कॉम्प्लेक्सेस। ये सभी लगभग D2 से D8 के जो जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो एरीन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। एरीन कैन बी ईटा 2 और ईटा 4, इट मे बी डाईहेप्टो और इट मे बी टेट्रा हेप्टो। तो ये कैसा हो सकता है? देखिए यहाँ पर आप देखिए इस एग्जाम्पल में, ये जो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर एरीन किस तरीके से एक्ट कर रहा है, देखिए आप देख सकते हैं कि एक रिंग बनाई हुई है, यानी 6 के 6 कार्बन एटम के थ्रू ये जुड़ा हुआ है। तो ये कैसे एक्ट करेगा? ईटा 6 की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम के थ्रू ये आयरन से जुड़ा है, तो ये कैसा है? ईटा 4 एरीन कॉम्प्लेक्स। अगर हम यहाँ पर देखेंगे Ag+ के साथ, तो ये एक डबल बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा है, तो ये ईटा 2 एरीन कॉम्प्लेक्स है। तो कहने का मतलब है कि एरीन कॉम्प्लेक्स ईटा 4 की तरह भी एक्ट कर सकता है, ईटा 2 की तरह भी एक्ट कर सकता है, ईटा 6 की तरह भी ये एक्ट कर सकता है। तो ये एरीन कॉम्प्लेक्स बना सकता है इस तरीके से। जो जो ईटा 6 होता है, ईटा 6, ये देखिए ईटा 6, इसमें जो 6 के 6 बॉन्ड होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बराबर होती है। ये सारे के सारे की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या है? कंजुगेशन में, ठीक है, वो ईटा 6 में होगा। अब अगर हम एरीन कॉम्प्लेक्सेस की प्रिपरेशन देखें, तो एरीन कॉम्प्लेक्सेस की प्रिपरेशन सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू की जा सकती है। नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू कैसे की जा सकती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू जब हम करेंगे तो हम क्या करेंगे कि एक, अगर आप लिगेंड को देखेंगे, देखिए ये एरीन है, ये एरीन जो है ये इस कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये जो एरीन है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? है कितने करेगा? सिक्स 6 करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा ना, 6 इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर ये ईटा 6 की तरह ऐड हो रहा है। और ये कार्बोनिल कितना इलेक्ट्रॉन डोनर है? एक कार्बोनिल, एक कार्बोनिल कितना इलेक्ट्रॉन डोनर होता है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो इसका मतलब जब एक बेंजीन जो एरीन है जुड़ेगी तो कितने कार्बोनिल को हटा देगी? थ्री थ्री कार्बोनिल को हटा देगी ना, सब्स्टिट्यूट कर रही है। तो जब एक एरीन जुड़ेगी तो 3 कार्बोनिल हट जाएंगे, तो एक एरीन जुड़ जाएगी। तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप देखेंगे। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि ये फेरोसिन है, ये फेरोसिन जो है जब एरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है और AlCl3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, एक CP को रिप्लेस कर रहा है, और एक CP को रिप्लेस करके यहाँ पर कौन जुड़ गया? एरीन जुड़ गया। दूसरी जो रिएक्शन है वो क्या है? मेटल डायरेक्ट रिएक्ट कर सकता है एरीन के साथ। तो मेटल देखिए अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में है, उसकी पहले से ही 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब एरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो डायरेक्ट क्या बना दे रहा है? मेटल एरीन कॉम्प्लेक्स। तो एक तो आप देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू, दूसरा आप देख सकते हैं कि मेटल की डायरेक्ट रिएक्शन जब एरीन के साथ होती है तो वो क्या बनाता है? मेटल एरीन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। और वहां पर आप देखेंगे टाइटेनियम है, नियोबियम है, मॉलिब्डेनम है, क्रोमियम है, टंगस्टन है, वेनेडियम है, ये इस तरीके के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। और एरीन जो यूज करते हैं जनरली C6H6 बेंजीन हो सकती है, या फिर टोलुइन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो मेथड है वो है कि जो मेटल का सॉल्ट होगा,
मेटल की सॉल्ट की रिएक्शन किससे होगी? एरीन से होगी, और एक रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर यूज होगा। अब यहां पर आप देखिए मेटल पहले से ही रिड्यूस्ड है, पहले से ही जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन यहां पर देखिए जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे यहां पर प्लस थ्री है, तो उस मेटल को रिड्यूस करना है, क्योंकि यहां पर जो मेटल है जनरली या तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है जब हम न्यूट्रल मेथड से करते हैं, और जब हम आयनिक मेथड से करेंगे तो भी इसके ऊपर क्या होगा, जनरली न्यूट्रल ही माना जाता है ये, तो यहां पर ये छह इलेक्ट्रॉन डोनर ही होगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या है, जीरो है। तो हमें सीआर थ्री प्लस से जीरो में कन्वर्ट करना है, तो जीरो में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि यहां पर एल्यूमिनियम होता है। तो आप देखेंगे जब भी आप किसी मेटल सॉल्ट से हम क्या बनाएंगे, जब हम एरीन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत भी पड़ेगी, तो उसके बाद क्या बनेगा, मेटल एरीन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, चौथा जो मेथड है आप देखेंगे डाइईन से हम बना सकते हैं। डाइईन की जब मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ, मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं तो फिर ये ईटा सिक्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है, इसका ये डाइमर बना रहा है। तो मेन मेथड आपने चार मेथड देखिए, एक नंबर वन सब्स्टिट्यूशन, नंबर टू मेटल की डायरेक्ट रिएक्शन एरीन के साथ, नंबर थ्री मेटल का सॉल्ट प्लस रिड्यूसिंग एजेंट प्लस एरीन, और नंबर फोर इज डाइईन प्लस मेटल सॉल्ट। तो ये चार मेन मेथड है जिनकी हेल्प से मेटल एरीन कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा सकते हैं। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो मेटल एरीन कॉम्प्लेक्सेस दे आर सोलबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोलबल होते हैं। ये जो एरीन कॉम्प्लेक्सेस हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस, जो इनके एनालॉग्स जो कंपाउंड होते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल के, उन कॉम्प्लेक्सेस से ये कम स्टेबल होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। और एल्काइल ग्रुप अगर होगी तो एल्काइल ग्रुप क्या करती है, स्टेबिलिटी को बढ़ाती है, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप अगर कोई प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट को बढ़ाएगा ऑन द एरीन कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट पड़ता है वैसे वैसे आप देखेंगे जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की वो इंक्रीज होती है, क्योंकि एरीन कॉम्प्लेक्स की टेंडेंसी क्या होती है, एरीन कॉम्प्लेक्स की टेंडेंसी होती है कि वो मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी आसानी से वो मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। तो एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहां होंगे और उतनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल सेंटर को, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये जो मेटल एरीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर वीक एरोमेटिक इन नेचर एज कंपेयर टू दी बेंजीन, अगर हम बेंजीन को देखेंगे, ठीक है, और अगर हम एक मेटल बॉन्डेड इस एरीन को देखेंगे तो ये कम एरोमेटिक होता है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना जिनकी वजह से एरोमेटिक है वो किसको दे रहा है, मेटल सेंटर को ये डोनेट करता है, इसलिए ये क्या होता है, वीक एरोमेटिक होता है। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं दिखाते होंगे, मैम वीक एरोमेटिक होते हैं, वीक एरोमेटिक है ना। और दूसरा आपने कंसेप्ट और पढ़ा था ओलिफिन में, क्या पढ़ा होगा, मेटल के साथ जब एक ओलिफिन जुड़ता था तो यहाँ पर आपने कोई इफेक्ट पढ़ा था, जब जब ओलिफिन जो है वो आसानी से मेटल से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, मेटल जब इलेक्ट्रॉन रिच होता था ना, तो यानी मेटल जो है वो इससे तो इलेक्ट्रॉन ले लेता ओलिफिन से, तो ओलिफिन को कैसा कर देगा, जब ओलिफिन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ओलिफिन को कैसा कर देगा, पाई एक्सेप्टर, नहीं नहीं ओलिफिन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसा कर देगा, जब कम कर देगा ना, कम कर देगा, तो वो कैसी टाइप की रिएक्शन दिखाएंगे, अगर जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो कैसी रिएक्शन शो करेंगे, आपने पढ़ा है इस कंसेप्ट, मैंने आपको बताया था ओलिफिनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा आपने कि जब एक ओलिफिन फ्री ओलिफिन है और एक मेटल के साथ जुड़ी हुई है, अब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो ये कौन से टाइप के अटैक करेगा, इस पर कैसे अटैक होंगे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होंगे, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया भी था, डेट इज अम्पोलंग, वो अम्पोलंग था, अम्पोलंग तब था जब मेटल, हाँ तो जब मेटल जब ओलिफिन होता है ना, ओलिफिन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होंगे तो मेटल बैक बॉन्डिंग कम करता है, अगर बैक बॉन्डिंग कम होगी तो ये जो ओलिफिन है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए प्रोन होता है। बिल्कुल उसी तरीके से आप देखेंगे जो जैसे मैंने आपसे साइक्लोपेंटाडाइनाइल कहा, जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है वो उतनी अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं करता है, ऐसे ही जो एरीन है ये भी बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं करता है, मतलब वापस इलेक्ट्रॉन उतने अच्छे नहीं लेता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल को तो ये खुद किसके लिए प्रोन हो जा रहा है,
खुद पे इस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी थोड़ी, न्यूक्लियोफिलिक तो इसलिए ये किस तरीके की रिएक्शन शो करेगा? न्यूक्लियोफिलिक, नॉट इलेक्ट्रोफिलिक। तो जनरली जो मेटल से बाइंड एरिन है और जो फ्री बेंजीन है, उन दोनों की रिएक्शंस में अंतर है। जो मेटल एरिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दे शो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, दे मे बी सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। ठीक है, इसके अलावा इट अंडरगोज मेटलेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, मर्क्यूरेशन, एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस मेटल एरिन कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, जैसे आपने देखा था कि खुद भी जो ये बनते हैं, तो ये ऐसे ही बनते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन जब हम एरिन से कर रहे थे तो क्या बन रहा था, और एरिन कॉम्प्लेक्स बन रहा था। तो जब एरिन कॉम्प्लेक्सेस के साथ कोई दूसरा लिगेंड एक्ट करेगा तो वो भी इस एरिन को रिप्लेस कर सकता है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो ये आसानी से, ये खुद आप देखेंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, तो जब एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड होगा तो वो जो है 3 2 इलेक्ट्रॉन डोनर इसकी जगह पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। दूसरी तरीके की रिएक्शन जो मैंने आपसे कही, इट इज प्रोन टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि एरिन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, मेटल से बॉन्डिंग इसकी होती है लेकिन बैक बॉन्डिंग कम होती है, तो क्योंकि बैक बॉन्डिंग कम होती है इस वजह से आप देखेंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। और आप देखिए कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एक्चुअल में ये क्या है, ये जो रिएक्शन है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पर जो H है उस H को OME रिप्लेस करके, देखिए OME यहाँ पर जुड़ गया। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये न्यूक्लियोफाइल्स अटैक कर सकते हैं और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो रिएक्शन है यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, और जो ये फ्लोरीन है इसको एन ब्यूटाइल जो है वो इसको रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं अगर इसके चारों ओर कोई इस तरीके के ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एक्चुअली वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक का एग्जाम्पल है। ठीक है, वो बीच में आ गया है। यहाँ पर आप देखिए अगेन, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा है और अटैक करने के बाद ये एडिशन हो रहा है। और आपने ये मेथड पढ़ लिया है कि एक एरिन पर जब एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया, देखिए ये क्या बन गया, डाइनाइल। हाँ, डाइनाइल, हेक्साडाइनाइल, साइक्लोहेक्साडाइनाइल बन गया ना एरिन से। तो क्योंकि एरिन की टेंडेंसी होती है कि न्यूक्लियोफाइल को आराम से जोड़ लेते हैं और क्या बना लेते हैं, डाइनाइल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगेन आप देखिए कि ये यहाँ से अगेन न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा C6H5 का, और यहाँ पर C6H5 जुड़ गई, तो दोनों रिंग्स जो है वो साइक्लो हेक्साडाइनाइल बन गई। तो ये मेथड आप वहां पर भी डाल सकते हैं, साइक्लो हेक्साडाइनाइल को प्रिपेयर करने का मेथड। ठीक है, फिर आप देखिए मेटलेशन, तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस है ये मेटलेशन की रिएक्शन भी शो करते हैं। ये जो हाइड्रोजन है ये मेटल से रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है मेटल, देखिए यहाँ पर लिथियम जुड़ गया, तो लिथिएशन हो गया, यहाँ पर मेटलेशन इजीली हो जाता है। अगेन आप देख सकते हैं कि ये दोनों रिंग्स का मेटलेशन हो रहा है, देखिए Li यहाँ पर जुड़ रहा है। और जब हम एक मेटलेशन, जो इसका इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं मेटल एरिन कॉम्प्लेक्सेस की, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लिथिएशन, और इस लिथिएशन के थ्रू हम दूसरे तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो लिथिएटेड प्रोडक्ट है ये देखिए फर्दर रिएक्ट करके यहाँ पर लिथियम की जगह पर PPH2 जुड़ गया, LiCl बन जाएगा, या फिर आप देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड बन गया। तो हम अगर लिथिएशन कर लें तो लिथिएशन के बाद वेरियस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो या एडिशन हो, तीसरा जो है वो मेटलेशन, मेटलेशन रिएक्शंस जो है वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो कि ये एरिन कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं, और जिनकी हेल्प से फिर फर्दर क्या किया जा सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया जा सकता है। अगेन देखिए ये रिएक्शन अगेन मेटलेशन की है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सोडियम है ये देखिए ऐड हो रहा है, ये मेटलेशन है, एक रिंग में ऐड हो सकता है, दूसरी रिंग में ऐड हो सकता है, और फिर ये जो मेटलेटेड प्रोडक्ट है ये फर्दर रिएक्शन करके, जैसे यहाँ पर CH3I से रिएक्शन किया, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना दिए, देखिए
ऐसे यहाँ पर देखिए कीटो कंपाउंड बना दिया। तो ये कहने का मतलब है कि जो एरीन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ये मेटालेशन करते हैं, इस मेटालेशन की इम्पोर्टेंट रिएक्शन की वजह से फिर ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी रिएक्शन मेन है इसकी, अभी एक और आ गई, फिर हम उसको एक बार दोहराएंगे, रिंग एक्सपेंशन। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। तो एरीन कॉम्प्लेक्सेस का एक और एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है इनके रिंग को एक्सपेंशन। तो इनकी रिंग एक्सपेंड कैसे कर रही है, देखिए एसिटाइल क्लोराइड और ALCl3 की प्रेजेंस में। यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन में यूज होते थे, CH3COCl और ALCl3, वैसे अगर आपने कोई रिएक्शन पढ़ी है मैम, एसाइलेशन एल्काइलेशन, फिल्डर क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ते थे ना, तो वो बेंजीन का होता था, है ना, बेंजीन का हो जाता था। लेकिन देखिए एरीन कॉम्प्लेक्स में एरीन का नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए एक्सपेंशन हो जा रहा है। जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग थी, वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गया और CH3COCl नहीं जुड़ा यहाँ पर, बल्कि रिंग का एक्सपेंशन हुआ है। तो इस रिंग के एक्सपेंशन फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर एक्सपेंशन होता है सेम रिएजेंट्स की प्रेजेंस में। फिर आप देखिए कंडेंसेशन हो सकता है, कंडेंसेशन रिएक्शन शो करता है। कंडेंसेशन का मतलब है कि ये जो एरीन पर COCS3 है, ये एनहाइड्राइड, ये जो कीटोन है इसके साथ रिएक्शन करके कंडेंसेशन हो रहा है। देखिए तो मेन आपने जो रिएक्शंस पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस आपने देखी, एक आपने देखी, कौन सी देखी, देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने देखी, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि इसमें क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ये सब्स्टिट्यूशन। फिर आपने देखा क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, तो क्या हो रहा है आप देखिए, एडिशन 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 हो जा रहा है और ये डाइनाइल में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर भी डाइनाइल में कन्वर्ट हो रहा है। फिर आपने देखा कि मेटलेशन हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और लिथिएशन कर सकते हैं, लिथिएशन करने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं, देन सोडियम मेटल जुड़ सकता है, रिंग एक्सपेंशन हो सकती है, रिंग एक्सपेंशन ओके, और कंडेंसेशन रिएक्शन ये शो कर सकता है। तो मेन रिएक्शन मैंने शो किए हैं कि ये किस किस तरीके के रिएक्शन शो कर सकता है। फिर इसकी आते हैं बॉन्डिंग, अगेन जो बॉन्डिंग आपको वहाँ परेशान कर रही है वो फिर आ गई है यहाँ पर, और जो एरीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें अगर आप बॉन्डिंग देखेंगे अगेन, अब आप मुझे बताइए कि जो बॉन्डिंग कितने इसमें, अगर मैं एक सैंडविच टाइप के कॉम्प्लेक्स की बात करूं, अगर मैं कहूं कि ऐसा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये एम, ये अब इसमें मुझे ये बताइए कि ये जो है कितने टोटल ऑर्बिटल यहाँ पर आपस में ओवरलैप करने वाले हैं, सिक्स, मेटल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, मेटल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, नाइन, नाइन होते हैं मैम, नाइन, इसके यहाँ पर कितने पी ऑर्बिटल हैं, सिक्स, सिक्स, यहाँ पर कितने पी ऑर्बिटल हैं जो कि पाई ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट, सिक्स, टोटल कितने ऑर्बिटल ओवरलैप करने वाले हैं, मैम सिक्स सिक्स मिलके 12 बनाएंगे, ये टोटल कितने हो रहे हैं वैसे, टोटल भाई 6 9 मेटल के भी तो करेंगे फिर बाद, 21 21. अब आप ये देख लीजिए जब 21 ऑर्बिटल टोटल एक दूसरे के साथ लीनियरली कंबाइन करेंगे तो टोटल कितने एमओ बनाएंगे, 21 एमओ बनेंगे। इसमें तो कोई ऐसी कैलकुलेशन ही नहीं है, जैसे साइक्लोपेंटाडाइनाइल में था 5 + 5 + 9 19 19 मिलेंगे तो 19 ही एमओ बनाएंगे, इतना तो समझ में आ रही होगी बात, ठीक है, तो ये 21 बनाएंगे, 21 बनाएंगे तो पहले क्या होगा, पहले आप ये देखेंगे इतने का देखेंगे, पहले भाई छोटे से ही तो शुरू करेंगे, जब हमें इतना पता चलेगा तब हम इतना, पहले आप देखेंगे कि ये पांचों जो कार्बन है ना, ये पांचों कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ लीनियरली कंबाइन करके 5 ऑर्बिटल बनाएंगे, 6 है तो ये 6 बनाएंगे, 6 ये बना देगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे ये वाले 6 और ये वाले 6 मिक्स हो जाएंगे, भाई पहले तो लिगेंड के मिक्स होते हैं ना, ये जब लिगेंड के मिक्स हो जाएंगे तो ये कितने बना देंगे, 12 बना देंगे, और ये जो 12 होंगे फिर ये मेटल के 9 ऑर्बिटल के साथ मिलके 21 बनाएंगे। ये है बॉन्डिंग का, बॉन्डिंग का जो स्टाइल है वो ये है, सारे केस में आप देखेंगे कि अगर साइक्लोपेंटाडाइनाइल होगा तो 5 वो 5 वो,
ये दोनों 10 बनाएंगे और 10 जो है वो 9 के साथ ओवरलैप करेंगे, ऐसे यहाँ पर 6 ये बनाएंगे, 6 ये बनाएंगे, और ये 6 6 फिर लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल बनाएंगे 12, और वो 12 लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल फिर 9 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे। तो इसमें मैं एक दूसरे डिफरेंट वे में मैं आपको समझाने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए आप, अब आप देखिए 6 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, तो 6 ऑर्बिटल ये हमने क्या दिखाया है, एक एरिन बताया ना, एरिन बताया, कितने एरिन बताए यहाँ पर, एक एक एरिन की बात कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरे एरिन के भी होंगे, ठीक है, एरो गायब हो जाता है बार बार, ऐसे ही जो है ये एक एरिन है, ऐसे ही दूसरी एरिन के भी बनेंगे, ठीक है। 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्बिटल बनाएंगे, 6 दूसरी एरिन बनाएगी, फिर ये जो 6 हैं और जो एरिन दूसरी एरिन के 6 हैं वो ओवरलैप करेंगे तो कितने बनाएंगे, 12। अब पहले आप ये 6 देखिए, देखिए ये देखिए जो सबसे नीचे है, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 ऑर्बिटल है, इन 6 के 6 के प्लस साइन ऊपर है और 6 के 6 नेगेटिव साइन का है नीचे, तो एक ऑर्बिटल तो ये हो गया जिसमें एक भी नोड नहीं है, नो नोड, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। अब देखिए दूसरा ऑर्बिटल देखिए, ये वाला ऑर्बिटल देखिए, 3 के लोग ऊपर है और 3 के लोग नीचे है, तो कितनी नोड आ गई, एक नोड आ गई, देखिए ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो एक नोड आ गई। यहाँ पर देखिए 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, इन दोनों का पॉजिटिव पार्ट ऊपर है, इन दोनों का नेगेटिव पार्ट ऊपर है, तो देखिए एक नोड ऐसे आ गई हॉरिजॉन्टल नोड, तो ये जो ऑर्बिटल है और ये जो ऑर्बिटल है इन दोनों में एक एक नोड है, दोनों में एक एक नोड है, तो इसका मतलब दोनों ऑर्बिटल एक से हैं, दोनों की एनर्जी बराबर है, इसलिए ये ई है और ये क्या है, ए है। ये जो ऑर्बिटल है इसका नाम ए टू यू है, इन ऑर्बिटल्स का नाम ए वन जी है, ई वन जी है। अब इन दोनों ऑर्बिटल को देखिए, 2 किलो ऊपर, फिर ये 2 का भी ऊपर है और इन दोनों का क्या है, नीचे है, एक नोड देखिए माइनस, यहाँ पर जो नोड है इसका प्लस ऊपर है और इसका माइनस ऊपर है, तो एक नोड तो यहाँ पर है, इसका प्लस ऊपर है, इसका माइनस ऊपर है, और दूसरी नोड देखिए यहाँ पर प्लस ऊपर है, यहाँ माइनस, 2 नोड है। अगेन आप यहाँ पर आ जाइए, इसका प्लस ऊपर है, इसका माइनस ऊपर है, इसका प्लस ऊपर है, इसका माइनस ऊपर है, तो आप देखिए यहाँ पर भी 2 नोड आपको दिखेंगे, ये दोनों एक से है क्योंकि दोनों में 2-2 नोड है, तो इन दोनों की एनर्जी बराबर होगी, इसलिए ई है, इसका नाम है ई टू यू, ठीक है। अब जो है अगर हम यहाँ जाएंगे इस वाले ऑर्बिटल में, तो आप देखेंगे ये ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस केस में आपको 3 नोड दिखाई देंगे, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे ऊपर है और इसका नाम है बी टू जी। अब इस ऑर्बिटल को देखिए, इस ऑर्बिटल को अगर आप देखेंगे तो अगर आप ऐसे चलेंगे, देखिए इस ऑर्बिटल को अगर आप देखेंगे तो इस ऑर्बिटल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री है इसमें, इसका नाम है ए टू यू, ये याद करना पड़ेगा आपको। इन दोनों ऑर्बिटल का नाम है ई वन जी, इन दोनों ऑर्बिटल्स का नाम है ई टू यू, और इस ऑर्बिटल का नाम है बी टू जी, ठीक है, ओके। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो इसका नाम ए होता है, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है तो उसका नाम बी होता है, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे इनका नोमेनक्लेचर, मतलब एक एरिन ने एक ए टू यू बनाया, 2 ई वन जी बनाए, 2 ई टू यू बनाए और 1 बी टू जी बनाया। अब आप देखिए कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, टोटल टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 6, तो 6 कैसे फिल होंगे, 6 कैसे फिल होंगे, देखिए 2 यहाँ आ गए, 3 4 5 6, अब देखिए ये ऑर्बिटल खाली है, यानी इसका साई 4 साई 5 साई 6 खाली है, और जो भरे हुए ऑर्बिटल है वो ये है, तो अपने भरे हुए ऑर्बिटल से ये इलेक्ट्रॉन किसको दे सकता है, मेटल को दे सकता है, और अगर चाहे तो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ले भी सकता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर एक देखिए जिस्ट देखिए, अब आपको अगर ध्यान हो गए तो आप ये देखिए क्या बनाए इसने ऑर्बिटल, ए टू यू ई वन जी, ये एक बनाया, ये 2 बनाए, ई टू जी था, ये 2 बनाए, फिर क्या था, बी टू जी, ये एक बनाया, ई टू यू, कितने ऑर्बिटल बन गए, देखिए ये एक एरिन है, एक ऑर्बिटल, 2 3 4 5 6, 6 ऑर्बिटल बना दिए, इन ऑर्बिटल के हमने नाम रख दिए ए टू यू ए वन जी
ई वन जी ई टू यू एंड ई टू जी, ऐसा ही दूसरा भी होगा। ये बात आप समझ रहे मेरी, ये दूसरा एरिन है, ये एक एरिन है, ये दूसरा एरिन है, ठीक है। अब ये कितने होगा, ये छह ऑर्बिटल है, ये छह ऑर्बिटल है, ये छह और छह मिलके क्या करेंगे, 12 ऑर्बिटल बनाएंगे, और उन 12 के साथ फिर किसने मैच करना है, यहाँ पर हम 9 ऑर्बिटल किसके दिखा सकते हैं, इसके दिखा सकते हैं मेटल के, इन 12 ने इन 9 के साथ क्या करना है, ओवरलैप करना है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने दिखाया है, ये देखिए अगेन मैंने दिखाया, ये ए टू यू ई वन जी ई टू यू बी टू जी, ये एक एक जो एरिन है उसके ऑर्बिटल्स हैं। फिर ये दूसरे के हैं, देखिए ए टू यू ई वन जी ई टू यू बी टू जी, ये दूसरे के हैं। अब आप देखेंगे ये दोनों मिक्स होंगे, अब फिर से आपसे कहा कि ये दोनों ने मिक्स होना है और क्या बना रहा है, एरिन बनाना है। देखिए इस तरीके का एक मतलब लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल बनाना है, तो 12 मॉलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पर बनेंगे, 6 और 6 मिलेंगे, तो जब A2U के साथ ओवरलैप करता है, लीनियरली कंबाइन करता है, तो दो ऑर्बिटल बनाता है, एक का नाम A1G होता है, एक का नाम A2U होता है। जब E1G के साथ करेगा तो देखिए दो ऑर्बिटल यहाँ है, दो ऑर्बिटल यहाँ है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 4 ऑर्बिटल बनाएंगे, 4 में से एक का, दो का नाम होता है E1U और दो का नाम होता है E1G। E2U के साथ जब ओवरलैप करेगा तो एक का नाम E2G होता है, एक का नाम E2U होता है। देखिए 4 ऑर्बिटल हैं, दो इसके, तो दोनों मिलकर 4 बनाएंगे, दो E2G और दो E2U। फिर B2G और B2G जब ओवरलैप करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, B1U एंड B2G, और ये दो ऑर्बिटल बनेंगे। अगर आप देखेंगे टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 12 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। इतना समझ में आई बात, हुआ क्या? Yes. आई, जो A2U, E1G, E2U और B2G था, ये एक एरिन के थे, दूसरी एरिन के भी यही थे, A2U, E1G, E2U एंड B2G। अब इन लोगों ने क्या करना है, लीनियरली फिर से कंबाइन करना है। जब ये कंबाइन करते हैं तो दो ऑर्बिटल बनते हैं A1G एंड A2U। दो ने कंबाइन किया तो दो बनाए, ये देखिए 4, दो इसके हैं, दो इसके, 4 ने किया तो 4 बना दिए, दो E1U बने और दो E1G बने। जब इन चारों ने किया तो 4 बने, दो E2G बने, दो E2U बने, ठीक है। फिर आप देखिए B2G ने और B2G ने किया तो एक तो B2G बन गया और एक क्या बन गया, B1U बन गया। तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जहां से आता मैं ये कह सकती हूँ कि जब A और A कंबाइन कर रहे हैं तो A बन रहा है, जब 2 और 2 कंबाइन कर रहे हैं तो एक तो 1 बन रहा है और एक 2 बन जा रहा है। जो A2U तो बनेगा ही बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, A1G, 2 है तो A1 बन जाएगा। ये देखिए 2 है तो B1 बन गया, यहाँ 2 है तो A1 बन गया। अब आप ऐसे ही ध्यान रखिए, यहाँ 2 है तो B1 बन गया और एक तो B2G बनेगा ही बनेगा। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जब A2U कंबाइन कर रहे हैं तो A2U और एक A1G और B2 कर रहे हैं तो B1U एंड B2G बनता है। फिर आप देखिए जब E2U कर रहा है तो एक तो E2U बन रहा है, दूसरा E2G बन रहा है। जब E1G कर रहा है, एक तो E1G बन रहा है, दूसरा E1U बन रहा है। इस तरीके से टोटल कितने बन जाएंगे, 12 ऑर्बिटल बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखे हैं मेटल के ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल, पीजेड ऑर्बिटल, पीएक्स पीवाई ऑर्बिटल, डीएक्सवाई डीवाईजेड ऑर्बिटल, डीएक्सवाई डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 ऑर्बिटल किसके लिखे हैं, मेटल के लिखे हैं, ठीक है। अब ये जो 9 ऑर्बिटल मेटल के हैं, इनके किसके साथ सिमेट्री मैच करती है, देखिए जो एस और पी जेड डी जेड स्क्वायर, ये दो ऑर्बिटल है, इनकी सिमेट्री A1G के साथ मैच करती है, तो ये इसके साथ ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो जब देखिए A1G है, A1G कितने ऑर्बिटल है, A1G कितने ऑर्बिटल है, A1G में कितने ऑर्बिटल है, A का मतलब कितने ऑर्बिटल, वन है ना, ये देखिए एक ही तो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है, और ये कितने हैं मेटल के, कितने हैं, दो है ना, दोनों की सिमेट्री मैच करती है उसके साथ, तो क्या होगा, मेटल का ऐसा ऑर्बिटल उसकी भी सिमेट्री A1G है, और जो डीजेड स्क्वायर होता है उसकी सिमेट्री भी A1G होती है। तो यानी एक तो ये और दो ये, तीन ऑर्बिटल मिक्स होंगे, जब तीन ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो कितने नए ऑर्बिटल बनाएंगे,
तीन और तीन बनाएंगे, तीन बनाएंगे, एक होगा बॉन्डिंग, एक होगा एंटी बॉन्डिंग, एक होगा नॉन बॉन्डिंग। ये देखिए तीन ऑर्बिटल बना दिए इसने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो मैंने लिखे हुए यहाँ नीचे, अलग तरीके से मैंने आपको दिखाया ताकि ज्यादा समझ में आए। ये समझ में आ रही बात? यस मैम। अब देखिए A2U में कितने ऑर्बिटल है, One. और PZ कितने होते हैं, इसकी सिमेट्री PZ से मैच करती है, तो कितने ऑर्बिटल है, वन ये है, वन ये है, कितने बना देंगे, टू। जब टू बनता है तो एक बॉन्डिंग बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग बनता है, ठीक है। अब E1U है, E1U में कितने ऑर्बिटल है, देखिए टू है, वन और टू, और ये किसके साथ, इनकी सिमेट्री मैच करती है PX एंड PY के साथ, यानी दो ऑर्बिटल के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो टोटल कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, फोर, टू बॉन्डिंग और टू एंटी बॉन्डिंग बन जाएंगे। अब देखिए जो E1G है वो DXY और DYZ के साथ इसकी सिमेट्री मैच करती है, तो ये भी दो ऑर्बिटल है और ये भी दो ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये कितने ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, अब देखिए फोर बनाएंगे, टू बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग। अब E2G को देखिए, E2G की जो सिमेट्री मैच करती है वो DXY और DX²Y² से करती है, तो यहाँ पर भी दो ऑर्बिटल है, तो अगेन फोर ऑर्बिटल बनेंगे, एक दो बॉन्डिंग और दो एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब ये जो ऑर्बिटल बच गए ना, E2U, B1U एंड B2G, ये रहेंगे नॉन बॉन्डिंग, क्योंकि इनके लिए कोई ऑर्बिटल बचे ही नहीं जो किसी भी मेटल के ऑर्बिटल के साथ इनकी सिमेट्री मैच नहीं करती, ठीक है। तो जब मैच नहीं करती है तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब ये चार ऐसे रह जाएंगे, ठीक है। तो अब बॉन्डिंग गिनिए, कितने कितने बॉन्डिंग बन गए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने बॉन्डिंग बने, 8, 8 मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल क्या बने, बॉन्डिंग, ठीक है। अब आप बताइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 क्या बने, एंटी बॉन्डिंग, और एक और चार कितने हो गए, पांच, पांच क्या हो गए, नॉन बॉन्डिंग, 8, 8, 16 और 5, 21, टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बन गए, 21 बन गए। देखिए बहुत कम जगह पे, आप चाहे तो साइक्लोपेंटाडाइनल को देखो, अपना अपना तरीका होता है बच्चों बताने का, आप कैसे भी समझाइए, आपको समझाना है, आप इस तरीके से भी साथ में आप दूसरा भी मेथड उसमें ऐड कर सकते हैं उसको समझाने का, तो मेरे ख्याल में ये इजी मेथड आपको लग रहा होगा बनाने का। हालांकि इसमें हम एनर्जी लेवल नहीं बता रहे हैं, उतना एनर्जी लेवल्स तो हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे एनर्जी इंक्रीज हुई, बट इससे क्लियर पिक्चर हो रही है कि कौन सा ऑर्बिटल किसके साथ मैच कर पा रहा है और कौन सा किसके साथ मैच कर पा रहा है। तो आई थिंक इससे क्लियर हो रही होगी पिक्चर आपको, हो रही है? यस मैम। अब मैंने इसमें यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाया है, तो अब आप क्लियर हो गया, 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग, 8 एंटी बॉन्डिंग और 5 नॉन बॉन्डिंग। अब यहाँ फिगर ये देखिए, ये पूरा LGO, ये क्या है, ये एरीन है, तो A2U A1G, देखिए A1G A2U है, फिर हमने क्या लिखा, E1G E1U, E1G E1U, फिर E2G E2U, ये देखिए E2G E2U, फिर B1U एंड B2G। ये देखिए ये हमारे जो ऑर्बिटल हैं, 12 ऑर्बिटल हमने किसके ले लिए, इसके ले लिए दोनों के। अब यहाँ यहाँ क्रोमियम के हमने ले लिए साइड, ये डी ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है। अब जब ये नो ऑर्बिटल ये 12 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे तो 21 ऑर्बिटल बनाने वाले। देखिए B2G एंड B1U, देखिए ऐसे ही नॉन बॉन्डिंग ऐसे ही रहेगा, इनकी एनर्जी वही है, सेम है, नए बॉन्डिंग बना रहे हैं, नए एंटी बॉन्डिंग। दूसरे आप यहाँ पर देखिए ये E2U एंड A1G, ये देखिए ऐसे ही रह रहे हैं ये, ठीक है। ये नहीं, यहाँ पर E2U है, देखिए E2U विल रिमेन एज सच, E2U है, B2G है, B1G है, ये नॉन बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो और एक जो है वो A1G रहता है नॉन बॉन्डिंग। तो इस तरीके से आप देखेंगे, चल अब आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, E2G तक जो ऑर्बिटल है ना, ये क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आइए, ये अलग से जो बनाया ना मैंने, यहाँ पर आप देखिए कि A1G A2U E1U E1G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑर्बिटल तो क्या होते, 8 ऑर्बिटल क्या होते, बॉन्डिंग होते। इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने होंगे भाई, 6 इसके पास होंगे, 6 इसके पास होंगे, कितने होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन, 12। लिगेंड के पास तो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, होंगे। तो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ भर जाएंगे, देखिए ब्लू कलर से जो दिखाए,
ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन हमने किसके दिखाए हैं, लिगेंड के, तो जो 12 इलेक्ट्रॉन है ई1 जी तक तो भर ही जाएंगे, हमेशा ही भरे रहेंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो ऊपर भरेंगे ई1 जी के बाद, वो किसके होंगे, मेटल की। अब ये डिपेंड करेगा कि मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 12 इलेक्ट्रॉन तो भरेंगे ही भरेंगे। अब आपको क्या काउंट करना होगा, हमेशा अगर मैं बात कर रही हूँ कि मेरे पास C6H6 है, ठीक है, बीटा 6, तो सीधे सीधे क्या है, देखिए इसके जो 12 इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो भरे ही भरे हैं, बाकी क्रोमियम के पास कितने बच गए, सीधे सीधे 6 इलेक्ट्रॉन, कितने, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। तो एक स्टेबल सिस्टम है, यहाँ पर आप जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो जो 6 ऑर्बिटल है उनमें तो 12 इलेक्ट्रॉन भर ही जाएंगे, जो उसके बाद के जो ऑर्बिटल है उनकी फिलिंग डिपेंड करेगी कि मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी हम क्या बता पाएंगे, उसकी हम जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। कि अगर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो 1, 2, 3, 4, 5, तब ये पैरामैग्नेटिक होगा। 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा है, डायमैग्नेटिक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसके बारे में बता पाएंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर हुई थोड़ी सी इसकी बॉन्डिंग के बारे में। यस मैम, एक बार मैं इसको और रिवाइज कर रही हूँ एरीन कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि साइक्लोपेंटाडाइनाइल और एरीन कॉम्प्लेक्स में बहुत डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस ये है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर जनरली होता है, और ये इसकी हैप्टिसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो एरीन कॉम्प्लेक्सेस हैं ये 3 तरीके से एक्ट कर सकते हैं, ईटा 2, ईटा 4 एंड ईटा 6 की तरह तो एक्ट करते ही हैं, और जब ईटा 6 की तरह एक्ट करते हैं तो सारी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बराबर। फिर आपने इसके मेथड देखे बनाने के, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू बन सकता है, या मेटल के डायरेक्ट रिएक्शन एल्कीन के साथ हो तो बन सकता है, या फिर मेटल सॉल्ट की रिड्यूसिंग एजेंट के साथ और एरिन के साथ मिलके बन सकता है, या फिर डाइन और मेटल सॉल्ट की रिएक्शन से बन सकता है। अगर हम इसे देखेंगे तो मेन जो इसकी हमने प्रॉपर्टी एक देखी है निकल के जो आई है, वो है कि ये क्या कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करता है, जैसे मेटल के साथ जुड़े हुए ओलिफिन करते हैं, और इसके अलावा जो इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है मेटलेशन, एक्सपेंशन, मर्क्यूलेशन, नाइट्रेशन, ये रिएक्शन इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जो रिएक्शन शो करता है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक, देन मेटलेशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, मेटलेशन हो रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेटलेशन के थ्रू हम और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी सिंथेसिस कर सकते हैं, रिंग एक्सपेंशन ये कर सकता है, और ये कंडेंसेशन रिएक्शन शो कर सकता है। फिर हमने इसकी बॉन्डिंग देखी, अगर हम बॉन्डिंग को सरल भाषा में अगर बताएं तो मैंने आपको ये बता दिया कि एक एरिन के ऑर्बिटल्स पहले मिक्स होते हैं, फिर दूसरे एरिन के, फिर दोनों एरिन के मिक्स होंगे, तो दोनों एरिन के जब ये मिक्स होंगे तो मिक्स होने के बाद दे विल फॉर्म 12 LGOs, और जो 12 LGOs हैं देन दे विल कम्बाइन विद दी मेटल ऑर्बिटल्स जो कि 9 होंगे, और उनके साथ जब ये कम्बाइन करेंगे देन दे विल फॉर्म 8 बॉन्डिंग, 8 एंटीबॉन्डिंग, 5 नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसमें कि 8 में से 6 बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हमेशा 12 इलेक्ट्रॉन लिगेंड के रहेंगे, और उसके बाद जो फीलिंग होगी वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी। तो यह इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो अधिक जो सीरियल होगा ना, ये पेंटाडाइनाइल में भी होगा इसी तरीके का, पहले A1G आएगा, फिर E2U आएगा, फिर E1U होगा, फिर EGO, इस तरीके से वहां पर भी आप देखेंगे जो क्रम है वो लगभग एक सा होगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो सिमिट्री है, जो सिमिट्री यहाँ के ऑर्बिटल की होती है, वही सिमिट्री यहाँ भी मेटल सेंटर अपनी सिमिट्री को बनाता है, ताकि इन दोनों की सेम सिमिट्री के ऑर्बिटल्स क्या कर सके, मैच कर सके। तो अगर यहाँ पर A1G है तो ये वाला A1G, ये वाला A1G और ये वाला A1G, ये तीन A1G मिलके क्या करेंगे, तीन ऑर्बिटल बनाएंगे, एक ये वाला A1G बना दिया, एक ये वाला A1G बना दिया, और एक यहाँ ऊपर बनाएगा A1G, ये देखिए एक A1G यहाँ बना दिया, तो तीन ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो तीन बनाएंगे, दो करेंगे तो दो बनाएंगे। E2G, E2G जब E2G से मिक्स करेगा, कहाँ E2G है, तो E2G से मिक्स करेगा तो एक E2G यहाँ बनाएगा और एक E2G यहाँ बनाएगा, तो अगर दो मिक्स करेंगे तो दो बनाएंगे, अगर तीन करेंगे तो तीन ऑर्बिटल बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, हम ऐसे ही हम इनके इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बता सकते हैं कि ये कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये जो है आप देखेंगे, अगर TI का ये जो कॉम्प्लेक्स है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितने इलेक्ट्रॉन है, ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, एरीन 6 एक सिक्स देगा, तो ये कितने देंगे, 12। और TI पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रल, न्यूट्रल मेथड है, कितने होंगे, 3s2 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितना, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ऐसे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये कितने दे रहा है, ये 12 इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
और वैनेडियम पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। इस तरीके से हम किसी भी सिस्टम के बारे में पता कर सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वो स्टेबल सिस्टम है, अगर वो 18 से कम है तो भी उतना स्टेबल नहीं है, अगर वो 18 से अधिक है तो भी इतना स्टेबल वो सिस्टम नहीं है। तो स्टेबल सिस्टम जो होते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं। तो आप किसी भी सिस्टम के इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हैं, हम तभी कर सकते हैं जब हमें इनकी हैप्टिसिटी पता होगी। जब हमें इनकी हैप्टिसिटी पता होगी या हमें ये पता होगा कि ये न्यूट्रल लिगेंड की तरह एक्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस। सो थैंक यू वेरी मच।